को पावन अपनी हाथ उठे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी की बड़ी कृपा बड़ी कृपा बड़ी कृपा के फल स्वरूप आज हम एक बार फिर भगवान जी की वाणी के श्रवण के लिए यहाँ पर आए हैं। मन में ये उमंग लिए हुए कि हम भी इस समय का लाभ इस तरीके से उठा लें। यह भगवान जी की बड़ी दया। आओ मिलजुल करके अपने मन को एकाग्र करें, जितना हो सके अपने मन को एकाग्र करते हुए लाभ उठाने की चेष्टा करें। जरा अपने मन को एकाग्र कीजिए मेरी देवियों। बैठ जाइए बच्चे, बच्चे बैठ जाइए अपने आने का ही कि भगवान हमें अपनी योग्य बनाए। जितना हमारे से बन सकता है मानसिक बौद्धिक शारीरिक रूप से हम अपना कल्याण करने की चेष्टा कर रही है। हम पखंडी नहीं, हम कपटी नहीं, हम दंभी नहीं। हमारे में भगवान जी ने एक दिव्य इच्छा कल्याण की खड़ी कर दी है। ये खाना पीना और बच्चे बना के मर जाना यही जिंदगी नहीं है। जिंदगी किसी और का नाम है। किसका? बच्चों भगवान जी ने कहा उसको अपनाना ही हमारी जिंदगी है। मुझे याद आता है घर की बातें, कभी कभी जब मार पड़ती थी तो पिताजी यही कहते थे, अगर इस घर में रहना है, बड़े क्रोध से बोलते थे, तो तुम्हें हमारे मुताबिक रहना पड़ेगा। जो आज्ञा पिताजी, आप क्रोध न करो, जैसे हम कहेंगे तुझे मानना होगा। अब बड़े पैमाने पर मुझे यही सुनाई देता है कि जिसने सृष्टि बनाई है उस दयालु कृपालु भगवान जी के अनुसार हमें चार दिन काटने होंगे। आज जनता क्यों दुखी है मेरी देवियों मेरे सज्जन? मैंने कई बार आपने मेरे से पूछा, मैंने कई बार जवाब दिया, एक ही जवाब है, दुनिया बनाने वाले के अनुसार हम नहीं जुट रहे, सृष्टि बनाने वाले के मुताबिक हम नहीं लग रहे। अगर आपका मन या कोई आपका मित्र या कोई संबंधी या कोई सन्यासी रूप में महात्मा जी कुछ कहे, मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं कह रहे, उन्हें गंभीरता पूर्वक नहीं चिंतन किया। सृष्टि बनाने वाले के अनुसार घर में क्यों नरक होता है? पिताजी के अनुसार नहीं रह रहे, क्यों बहने लड़ती रहती है? घर में ही तीन चार बहने हैं, क्या कारण? तू भी रानी थे, मैं भी रानी थे, कौन भरेगा घर का पानी? कहावत मशहूर है, जब सारों में अहम पाना होगा, मैं भी ग्रेजुएट हूं, तू एमए है, फिर घर तो तबाह हुआ। अगर हम डिग्रियां घर में रखे तो ये डिग्रियां दफ्तर के लिए होती है। काफी बेटियों पर भी ये मेरा प्रभाव पड़ा, ये डिग्रियां दफ्तर के लिए होती हैं, कमाने के लिए होती हैं, शेम, घर के लिए डिग्रियां नहीं होती। घर के लिए वो मेरी मां, मैं उसकी लाडली बेटी, ये सारी जान ये सारा शरीर उसके हवाले, जो मर्जी करवाए हमसे, शाबाश। अगर आपने घर में भी डिग्री इस्तेमाल की, परमात्मा की कसम बड़े पाप में भागी बनेंगे हम। डिग्रियां केवल कमाने के लिए है, न के घर के धंधों में काम करना हो तो डिग्री अवस्था में रख ले, मैं तो ग्रेजुएट हूं, मैं तो एमए हूं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं। अरे भाई पढ़ लिखा दफ्तर में सर्विस करने लेने के लिए, उसके जो है क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई होने के लिए, हां न के यही डिग्री हम मां बाप के ऊपर लगे, गलत। ये सैन ने कहा था जिनके दिन बुरे आए होते तो वो यही कहा करते, मां नहीं मां, मैं जब पुलिस में भर्ती होऊंगा सबसे पहले तेरी तुझे कुटूंगा, डिपटे लालत। मां ने पुत्र पैदा किया मां को कुटने के लिए। पुलिस बनेगा तो जो अपराधी होंगे उनके अपराध को दूर करने के लिए तो पुलिस में भर्ती होगा, ना कि मां के गत लगाने के लिए। शाबाश। दुनिया में क्यों दुख है? एक के बाद एक साल जा रहा है। मैं बार बार कहूंगा मेरी देवियों ध्यान से सुन लीजिएगा,
क्या भगवान के अनुसार आप नहीं जुट रहे? आपके इरादे भगवान के अनुसार नहीं, आपके विचार भगवान के अनुसार नहीं, आपकी क्रियाएं भगवान के अनुसार नहीं, आपके इरादे वासना के अनुसार, आपके विचार कामना के अनुसार, आपकी क्रियाएं मोह के अनुसार। वासना कामना मोह, इसका परिणाम आधि व्याधि और उपाधि, ये नाना प्रकार की जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं। किसी नगर में अस्पतालों का बढ़ना लानत की बात है, ये शर्म की बात है। इसका मतलब बीमारियां बढ़ रही हैं, हाँ, इसका मतलब गंदे विचार बढ़ रहे हैं, हमारा कट्टर खराब हो रहा है, हमारा खाना पीना गंदा है, हमारे विचार गंदे हैं, हमारे इरादे गंदे हैं, तभी तो अस्पताल बढ़ते हैं ना। सुकून बढ़ जाए तब तो खुशी की बात होती है, अच्छी अच्छी चीजें बढ़ जाए तो खुशी की बात है। अस्पताल बढ़ रही है, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, ये की बात मानी? इसका मतलब जनता का कैरेक्टर बड़ा डाउन जा रहा, जनता के विचार डाउन जा रहे हैं, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। याद रखना, बीमारी का सबसे पहला कारण अशुभ इरादा, दूसरा अशुभ विचार, तीसरा अशुभ कर्म। बीमारियों के हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति पुकार पुकार के कहती है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार। ये आपके भगवान जी कह रही है, ये आपकी इंडियन कल्चर कह रही है, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग। ये आपके हिंदुस्तान के चोटी के अनुभवी पुकार पुकार को आपको हिंदुस्तान की संस्कृति याद दिलाती है। जरूर हम कदर करेंगे, कदर कर रही हैं। सिर्फ यू हैप्पी न्यू ईयर, इससे कुछ बनेगा नहीं मेरी बेटी। करोड़ों रुपए के कार्ड आजकल एक दूसरे के हाथों में चले जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर हम खुश जाते हैं, ग्रीटिंग्स आइए नए नए साल की। लेकिन भगवान कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी एवरी डे या हैप्पी एवरी वीक तब होगा जब हम दिन ब दिन, याद रखना मैं करोड़ों की बात गीता जी की प्रसाद रूप में भगवान की दे रहा हूं, क्या मैं गिफ्ट रूप में आप सबको दे रहा हूं। नाना प्रकार की मुसीबतों और दुखों से हटकर हम हैप्पी तब रहेंगे, प्रसन्न तब रहेंगे जब हम भगवान के नजदीक पहुंचते जाएंगे, इरादे रूप में, विचारों रूप में और अपने शुभ कर्मों के रूप में। कभी ना भूलना आपको अपने भगवान की कसम, अपने कल्याण की कसम, बेटी आपको अपनी कसम, ये बात कभी ना भूलना कि इरादों से, विचारों से, क्रियाओं से जब हम अपने मालिक के नजदीक पहुंचती हैं तभी एवरीडे हैप्पी नहीं, हैप्पी हैप्पियर, हैप्पियर मोस्ट है, डे बाय डे हैप्पियर, मोर हैप्पी एंड देन मोस्ट हैप्पी। कभी ना भूलना, ये आपकी कल्चर कह रही है। मेरे जैसों ने, ढंडोरचियों ने, हम ढंडोरची हैं किसके? भारत की सभ्यता और संस्कृति के। भारत की सभ्यता और संस्कृति की जान और प्राण भगवान कृष्ण हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति की जान और प्राण गीता, भारत की सभ्यता और संस्कृति की जान और प्राण हमारे वेद। बस इससे परे जो शास्त्र है वो इसी के अनुसार इनके, इनको कुछ समझाया गया है। हमारे 18 पुराण इनको समझाने के लिए हमारे श्री वेदव्यास जी ने अपनी लेखनी पर जोर दिया है। समझो मेरे हिंदुस्तान के कल्याणकामी नेक जीवो, ओ मेरी नेक बेटियो, अपना आना सफल करो। आम धर्म स्थानों की तरह शोरगुल मचा के चले गए, कोई फायदा नहीं, अपना वक्त बर्बाद है। हम एक तब्दीली लेके यहां से जाएं, हम एक नया विचार लेके जाएं यहां से, शाबाश, बिल्कुल नया विचार लेकर के, बहुत अच्छे, बिल्कुल नया विचार। मैं तो चाहता हूं हम सबका आना इस तरह हो, जैसे लड़की देखने के लिए लड़के वाले 4-5 गए, हाँ लड़की देखने के लिए गए, हाँ लड़की लेके ही आ गए, हमें लड़की पसंद, हमें ये परिवार ही पसंद, आपकी रहनी सहनी पसंद। तो लड़के पूछते क्या इरादा है, लड़की हमारे हवाले करो, चुन्नी चढ़ाई और क्या लड़की लेके आ गए, बस ये है मजा। हम आए अपने में एक नई रौनक लेके जाए,
अपने में एक नई तब्दीली लेके जाए, तर धर्म स्थान का में आना हमारे लिए बिल्कुल सफल हो जाता है, बिल्कुल सफल। वरना मेरे पास और कोई शब्द नहीं सिवाय इसके, क्या लिफाफा तो घर में आया लेकिन बैरंग लिफाफा था, नॉट डिलीवर्ड रिटर्न टू। हम बैरंग लिफाफे की तरह न चले जाए बल्कि भक्ति की टिकट लगवा के चले। कैसे समझाऊं, कैसे कहूं मेरी देवियों, एक एक दिन करके गुजरता जा रहा है, एक एक दिन कहीं से आवाजें आती है, पता नहीं आपको सुनाई देती है या नहीं, सुबह होती है शाम होती है, हाय उम्र यूं ही तमाम होती है। इस सवेरे और शाम के अंदर उम्र जा रही है। आपके महापुरुष हिंदुस्तानी महापुरुष आपके पूर्वज कह गई है, सवेरे और शाम कैंची की दो फले है, कैंची के दो फले होते हैं मेरी देवियों मेरे सजनों, इसके नीचे जो भी आएगा कट जाएगा। सवेरे और शाम कैंची के दो फले हैं, सब जीवों का एक एक दिन काटती चले जा रही है। याद रखना ये कैंची के फले हैं सवेरे और शाम, इसके नीचे हमारे शरीर आ रहे गए। आओ पक्का इरादा करें आज के दिन सिर्फ ये बत्ती दांतों में से ही दे नहीं, हैप्पी न्यू ईयर का किसी को ठोस लाभ नहीं होगा बेटी, कोई ठोस लाभ नहीं। ठोस लाभ इसी होता है कि पक्का इरादा करें, जैसे भगवान कह रहे हैं इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, ये सृष्टि मैंने इस दौर से चलाई है, इसी दौर को रिवाइज करते चलो, वरना कितनी गर्मा गर्म चेतावनी है जो इस दौर से हट के ले रहा, और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार। आपके प्रभु, आपके सरताज, आपके मन के राजा, आपके दी बेस्ट गाइड फ्रेंड और फिलोसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा आपको यही कह रही है, चले जैसे भगवान ने दौड़ चलाया, चले जैसे भगवान ने चक्कर चलाया, उसके अनुसार चले। बस आपके अच्छे आदर्श जीवन को देखकर कई अपना जीवन सुधार लेंगे, कई अपना जीवन बना लेंगे। मेरे बच्चों, मेरे मन में बड़ी जोरदार उमंग पैदा की है मैं आपको गीता समझा सकूं और आपके मन में उमंग हो कि मैं समझ के अपना सकूं। सिर्फ खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, मेरे भगवान मुझे बार बार प्रेरणा दे रही हैं। आप खाली रामायण पढ़ा लेती हैं, पढ़ लेती हैं या भागवत पुराण पढ़ जाती हैं, गीता के 18 अध्याय आप 2-3 घंटे पर, इससे फायदा क्या होगा अगर उसका असर मेरे पर ना पड़ा तो। आपने दूध में बादाम डाले, अच्छा छुआरे डाले, अच्छा लाचियां डाली, अच्छा सौंफ डाले, अच्छा उसे गर्म किया, अच्छा उसे ठंडा किया, हाँ गिलास भर के पी लिया, बड़ा पौष्टिक तत्व है, बड़ा अच्छा पौष्टिक तत्व, आपने पी लिया, एक एक घूंट करके पिया, अभी 15 मिनट ही हुए थे उल्टी हो गई, तो इस दूध का लाभ क्या, क्या ये पौष्टिक था बेटे, हेल्थ गिविंग था ये गिलास। ये तब होता जब अंदर रहता और अंदर के जो हाजमा है, अंदर के जो अंग है उसका एनालाइज करते, उसका विश्लेषण करते, उससे खून बनता, हड्डियों में जाता, मामा चमड़ी में जाता, उससे वीर्य बनता, उसे और बाकी अंगों को मिलता, तब उसका बड़ा लाभ था। अगर उसका विश्लेषण हो जाता तो वो तो उल्टी कर दी गई। मैं आपसे प्रेम से कहूंगा अगर मेरे भगवान की चूटी की वाणी आपने पढ़ ली या सुन ली और 2-3 घंटे के बाद आपने उल्टी कर दी, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, दानाओं का एक इशारा काफी होता है, आप ही सोच लो क्या फायदा। ये मेरे स्वामी जी ने मुझे कहकर हैरान और परेशान कर दिया, गुरुदेव क्या कह रही है, सचमुच तो लाखों व्यक्ति उल्टी करते जा रही है, जब उसके अनुसार रहना ही नहीं तो जैसे सुना जैसे ना सुना, जैसे पढ़ा जैसे ना पढ़ा, इनकलाबी बनो, मेरे से भी ज्यादा मेरी देवियों इनकलाबी बन जाओ, क्रांतिकारिणी देवी बन जाओ, कि सचमुच दूध इतना पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ पिया और उसको वॉमिटिंग हो गई तो कोई लाभ ही ना हुआ। हाँ
गीता की वाणी हमने इतनी चोटी जिसके मुकाबले में मुझे भगवान की 100 बार कसम गीता के मुकाबले में कोई शास्त्र नहीं। इसलिए इसे शास्त्र कहना महापुरुष पाप मानती है, शास्त्र नहीं मार शास्त्र है, यूनिक है, अनपैरेलल है, मैचलेस है। इतना चोटी का शास्त्र पढ़े और हमारे पे असर ना हो, हम एकदम बदल ना जाए, हमारे इरादे शुभ हो जाए, हमारे विचार शुभ हो जाए, हमारी क्रियाएं शुभ हो जाए, हमें बनाने वाला खुश हो जाए। जिस प्रभु ने हमें रचा है, जिस प्रभु ने चलता फिरता ये घड़ा बनाया है, ये चलते फिरते मुंह बोलते घड़े, ये वॉकिंग एंड स्पीकिंग जब मोबाइल घड़े, इनको बनाने वाला कुम्हार भगवान कृष्णा कितने खुश होंगे अगर उनकी ये क्रिएशन क्या हो, शुभ हो, एस्पिशियस हो। इस रूप में आज का दिन मुबारक कि भगवान की रचना एक बड़ी अच्छी रचना बनी। इस तरह के विचार बनाओ मेरी देवियों, आज के दिन, आज की शुभ दिन, आज के 1995 के पहले दिवस में हम शानदार इंकलाब लाए। पक्का इरादा करें कि मेरी रैनी भगवान के अनुसार होगी। बेटी मैं आपको समझाती हूं, मुझे शर्म आती है, आपको तो अडॉप्ट करना आता है, अडॉप्टिबिलिटी मेरी बच्चियों बहुत है, अडॉप्टिबिलिटी में लचक, आप ससुराल में जाके एकदम उनके अनुसार रहती हो। नारी में लचक बहुत ज्यादा है, तन में नहीं मैं कह रहा, मन में, आपके स्वभाव में, कितनी जल्दी आप अपने आप को ढाल लेती हो। अब तो मैं आप सबसे कहूंगा, आओ भगवान के अनुसार अपने आप को ढाल ले, भगवान के अनुसार अपने आप को बना ले, लोग बड़ी जल्दी आपका लोक और परलोक बन जाएगा। यही प्रसंग चला हुआ है कल से, जो क्या जो है, मेरी तालीम पर कार बंद करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद। ये आपके लॉर्ड कृष्ण कह रही थे कि जो मेरी शिक्षा के अनुसार अपने आप को जुटा रही है और लोगों के कटाक्ष को फेंक देती है। वक्त कैसा जा रहा है, खुद तो अपनाना नहीं, अपनाने वाले की टांगे घसीटनी है, कटाक्ष करनी है, बदगोई करनी है, कुतर्की बनना है, चलना खुद नहीं केवल कटाक्ष। क्या भगवान की वाणी में है, भगवान भगवान कौन है यार, कौन को अवतार लेता है, इस तरह वो बकवास करके आपकी श्रद्धा को कम करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे दोनों जीव क्या ये दुनिया है उसकी, दोनों जहां से मारे जाते हैं। चूंकि कटाक्ष किया, आपकी श्रद्धा कम हुई तो क्या बनेंगे, आप में काम बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, और अगर इसको अपनाने में श्रद्धा बढ़ती ये सारी गंदी वृत्तियां घट जाती। पापा कैसी, आपने चाय बनाई, हाँ चाय में कब आप दूध डाला, हाँ आप पियो, कड़वा है, आपने एक चमचा खांड का, एक आधा चमचा खांड का, क्या खांड की मिठास ने अंदर की खटास को अपने में जज़्ब कर लिया, अंदर के कड़वे पने को अपने में जज़्ब कर लिया, मिठास मिठास फैल गई। तब एक एक घूंट आप कैसे मजे से पीती है, एक एक घूंट, चूंकि खांड ने अपने आप को फैला दिया, खांड ना कहूं, मिठास ने अपने आप को फैला दिया। हां इसी तरह जब हम श्रद्धा पूर्वक भगवान की वाणी को सुनते और पढ़ते हैं तो भगवान का ज्ञान हमारी बुद्धि और मन में फैल जाता है, जिससे गंदी वृत्तियों की खटास भाग जाती है या गंदी वृत्तियां इसमें जज्ब हो जाती है। विश्वास करो हमारा जीवन साक्षी है, हमारा ठोस अनुभव आपके सामने है, जीवन बड़ा शानदार बन जाता है। आप भी आज मालूम मेरे नेक जीवो, मेरी नेक कल्याण कामी देवियो, जैसी बाबा खान खटास को अपने में जज्ब कर लेती है जी, इस तरह भगवान का अद्वितीय ज्ञान अज्ञान को अपने में जज्ब कर लेता है। अज्ञानता के साथ ही ये नेगेटिव क्वालिटीज है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, यही हमारे अंदर हलचल मचाई हुई है। एक बार आजमा रहे हो, भगवान करे आप और भी आजमाए, श्रद्धा से बेचैनी नहीं रहती। अच्छा जरा ध्यान देना आप सबके सब, बड़े गुण है श्रद्धा में। श्रद्धा का मतलब क्या होता है, अटूट विश्वास, अनशेकेबल बिलीफ है,
अनशेकेबल फेथ है, ऐसा फेथ जिसे कोई हिला न सके। बेटी अविचल विश्वास, अविचल अडिग विश्वास। परमात्मा करे हम सब के पास ये गुण होना चाहिए, अडिग, जो हमें डिगाए नहीं। जैसे बाबा जी के हाथ में लाठी होती है, उससे वो डिगते नहीं, लाठी थाम लेती है। विश्वास हमें थाम लेता है, श्रद्धा हमें थाम लेती है, तभी तो श्रद्धा हुई। बड़े गुण है इसके, भगवान करे आप पे कुट कुट के भर जाए, आपके रग नाड़ी रेशे में मेरे भगवान की श्रद्धा बढ़ जाए। भगवान से पहले भगवान के ज्ञान की श्रद्धा बढ़ जाए, पहले ज्ञान फिर भगवान, पहले ज्ञान फिर भगवान है। ज्ञान द्वारा ही भगवान में तलीन हुआ जाता बेटी, ज्ञान द्वारा ही भगवान में तलीन हुआ जाता। उस ज्ञान को समझ लीजिएगा और फिर बस इस साल तो जोर दीजिए कि जो कमी है मैं दूर कर लू। मुद्दत से सुन रही हो, आपको मुद्दत होगी इसे सुनते विचार करते हुए, बड़ी मुद्दत हो गई, शाबाश शाबाश शाबाश, बड़ी मुद्दत होगी आपको सुनते हुए। अब तो जो कमियां आप देखते हैं कि मेरे में ये कमियां हैं या ये त्रुटियां हैं या ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, अब इस साल तो चली जानी चाहिए, इस साल ना रहे। आहा आहा, अब तो 20वीं शताब्दी भी जाने वाली, गए केवल पांच और एक छह साल रह गए, एक ये साल और चार साल पांच साल और, तब ये 20वीं शताब्दी भी गई। शाबाश, हम इसी में अपने इष्ट देव, अपने इष्ट देव के लिए कहीं हरिद्वार नहीं जाना, कहीं वृंदावन नहीं जाना। वो खुद कहती है मैं तेरी अंतर्यामी हूं, मैं तेरी जान हूं, प्राण हूं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। वो सर्वव्यापी रूप में क्या करता है, वो भगवान जी क्या कर रहे हैं सारा दिन सारी रात, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर वो सारों को चला रही है। मेरी भगवती तू घर में बैठी क्या करती है, मैं घर में बैठी क्या करती हूँ, मैं कोई आराम करूं तो क्या करती है, कपड़े मैं धोती हूँ, रोटी मैं पकाती हूँ, हलवा मैं बनाती हूँ, चाय मैं बनाती हूँ, कपड़े मैं प्रेस करती हूँ, मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूं। ठीक है, कितनी काम करते, भगवान क्या करे, भगवान कोई बिल्कुल ही ठल्ले है नहीं, अनेकों को प्रेरणा देती है। अच्छा, अनेकों की भावना के अनुसार उनको प्रेरणा देती है। अच्छा, पापियों के पाप के अनुसार उन्हें दंड देती है। अच्छा, सबको नेक बनने के स्वर्ण अवसर प्रदान करती है। अच्छा, और पूछती हूं, और दरिंदों को इंसान बनाती है, इंसान को देवता बनाती है, देवता को अपनी जात में मिला देती है, नर से नारायण की ओर भगवान प्रेरणा दे रही है। बहुत अच्छी, ये आपको अवसर किसने दिया, ये आपको सेठ किसने दी, ये गीता समझने की बुद्धि किसने दी, भगवान जी ने, भगवान जी ने, भगवान जी ने। नारी चोले में होते हुए आपके श्रीमान का मुंह किसने बंद किया, आपको इतना दूर आने देती है, और चुप जाती है दो ढाई घंटे, वो सहन कर लेते हैं, वरना इंसान और स्वास्थ्य और नंदे सब स्वार्थ में भरी होती है। आपको मौका कौन दे रहा है, भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी, वरना घोर कलयुग में कोई घर से बाहर निकलने देता, कई नाम रखती है चंद्रिया चल पड़ी है, और कई नाम रखते सिर ते नहीं कुंडा तो हाथी बिरे लुंडा लुंडी बन के चल पड़ी है, कौन नारी को आने देता है हिंदुस्तान में। और आप तो आ रही है विदेश की तरह, जैसे हिंदुस्तान अमेरिका इटाली जापान में हो रहा होता है, कोई बोलता नहीं, इतनी कृपा किसने की। भगवान स्पष्ट गीता में कह रहे हैं दरअसल होती है मेरी ही दाद, ये उन्हीं की बख्शिश होती है जो ऐसा सामा पैदा कर देती है। रजोगुनी के लिए जिस भगवान ने सिनेमा हॉल बनाए, रजोगुनी के लिए जिसने शराब के ठेके बनाए, रजोगुनी जीवों के लिए क्लब और आपके पार्क बनाए, वो भगवान आप लोगों के लिए सत्संग भवन का माहौल तैयार करती बार कंजूसी से काम नहीं लेते।
अगर रजोगुणी के लिए करोड़ों रुपए लग सकती है, सिनेमा हॉल बन सकती है, आप सज्जनों को और सज्जन बनाने के लिए ऐसे एकात्म स्थान बन सकती। चूंकि उनका वचन है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। वो रजोगुणी मुराद पा रही है, आप सतोगुणी मुराद पा रहे हैं, शाबाश। अब हाई से हायर की ओर जा रहे हैं, वो लो से लोअर की ओर। बाबा बाबा बाबा, आप हाई से हायर की ओर, वो लो से लोअर की ओर। दरिंदों परिंदों चरिंदों में जाए, लोअर लोअर लोअर, और नीचे गिरते जा रहे हैं। पहले सिगरेट पीती थी, अब सिगरेट में कोई नशा डाल के पीती है, है। हां, अब चर्स भी पीने लग गई है, हां। नशीला पान भी चूसती है, हां। और मनोरी मिल गया उनको लपेट, हां। वो उनको पौवा पिलाने लग गया अपनी जेब से, हां। एक छोटा सा नशा शुरू करो सिगरेट का, कई नशे कुछ दिनों में आ जाएंगे। लोअर से लोअर की ओर है, और नीचे और नीचे। जैसे कोई शिमला से जरा एक एक मिनट नीचे 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 मैदानों में आता जाता है, और जैसे के मैदानों से ऊपर ऊपर शिमला से भी ऊपर चढ़ता चला जाता है, पहाड़ के पास पहुंच जाता है। प्रकृति का नियम है, ऊपर जाओगे तो और ऊंचा उठोगे, नीचे आओगे तो और नीचे चलते गिरते आओगे। हाय, वो गिरते ही गिरते, आपके भगवान कह रहे हैं, वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे। इसलिए वो लूर में उड़ जा रहे हैं। आप दिन बदन आप लेकर और अपनाने को, ये नया साल है, हम और पक्का इरादा करें, मेरी माता और मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, कि मैं अपनी कमियों को जरूर दूर करूंगा। जैसा भी होगा मैं अपनी कमियों को जल्दी दूर करने की अपने ओर से पूरी चेष्टा करूंगा, बेड़ा पार। और फिर भगवान बड़ी मदद करते हैं, मेरी वाणी पर विश्वास करना। जब आप पूर्ण रूप में जुट जाती है कि मैंने बुद्धि में जो कमजोरी वो भी दूर कर दूंगा, मन की जो कमजोरियां और तन के कर्मों में मैं निरीक्षण करूंगा, और उन्हें जो भी मुझे त्रुटियां दिखाई देंगी भगवान के नाम पर और भगवान से शक्ति लेकर मैं जरूर 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 इन्हें भगाऊंगा। आपके सर की कसम, गीता की कसम, हिंदुस्तान की कसम, महर्षि वेद व्यास की कसम, भगवान बड़ी शक्ति देती है प्रसन्नता पूर्वक अपनी ओर से दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। मां की शक्ति साधारण होती है, पिताजी की शक्ति साधारण होती है, बहन भाइयों की शक्ति साधारण होती है, पति पत्नी की शक्ति साधारण होती है। बाबा क्या मतलब? ये शक्ति चंद दिनों के बाद चली जाती है। चाहे धन की शक्ति हो, चाहे शरीर की शक्ति हो, चाहे बुद्धि की शक्ति हो, ये शक्ति हमारे पास सदा नहीं रहती। और भगवान की शक्ति सदा रहती है, जाती नहीं, उत्तरो उत्तर बढ़ती चली जाती है। इसलिए हम स्पेशल पावर कहेंगे, विशेष शक्ति कहेंगे, डिवाइन शक्ति कहेंगे। डिवाइन शक्ति का नाश नहीं होता, ऑर्डिनरी शक्ति भाग जाती है। ऑर्डिनरी शक्ति आई थोड़ी देर के बाद, गो एंड गॉन। और ये तो मेरे प्रभु आपको डिवाइन पावर देते हैं, मेरी भगवती दैवी शक्ति आपको। जब आप पक्का इरादा करते हैं अब मैंने नेक बनना है, अब तो मैंने जरूर ही भगवान के योग्य बन जाना, बस इस ये साल इस रूप में मुबारक, हम भगवान जी के अनुसार जुट जाएंगे। हम अपने मालिक के अनमोल कथन के अनुसार, भगवान का ही कथन हमारे लिए अनमोल है, सिर्फ अर्जुन ही कह के भगवान की जात में ना समा जाए। अब हमारी बारी आई है अपने कल्याण करने की, हम भी अर्जुन की तरह ये भाव पक्का बना ले, मेरे मालिक जी ओए, ओ मेरे इष्टदेव, ओ मेरे अंतर्यामी, ओ मेरे सर्वव्यापी, ओ मेरे सर्वस्व, भला दूसरा है जहां में कहां, करे दूर मेरे जो वहमो गुमा। आपके सिवा कौन होगा मेरे मालिक जो मेरी कमजोरी को दूर करे, जो मेरी अज्ञानता को दूर करे। भगवान जी अंदर आए तो मैं और आप हीरो, भगवान जी तन को छोड़ जाएंगे, मैं आप जीरो 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 जीरो, हीरो से जीरो। जी हां, एक लगा रहे हो तो आगे सिफरे लगाओ तो लाख बन जाता है, एक को अटारो तो पांच सिफरों को लाख कोई नहीं कहेगा। पांच सिफरें तब लाख कहलाती जब एक कैम हो, एक भगवान की जात हमारे शरीर और बुद्धि में हो, तो हम हर प्रकार की उन्नति कर सकते हैं। अगर भगवान जी अपने आप को ले ले तो बाकी किसी काम का ही नहीं,
किसी काम का नहीं मेरी देवी हो, मेरे सज्जनों, आज के दिन पक्का इरादा करें, पक्का कि जो मेरे प्रभु कह रहे हैं मैंने वही करना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो मालिक मैं बार बार इसी पर जोर दे रहा हूं, अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, या आने वाली जनता ये पक्का इरादा करे कि मैंने करना वही है जो मेरे भगवान जी कह रहे हैं, जो है मेरी तालीम पर कारबन, करे नुकता चीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद है, बड़ी श्रद्धा से भगवान के फरमान को अमली जामा दे रही गए, बड़ी श्रद्धा से ही भगवान के उपदेश को व्यवहारिक रूप दे रही गए, व्यवहारिक यानी क्रियात्मक रूप दे रही गए, वो कर्मों इनाम क्या दे रहे, फिर जो भगवान की वाणी को अपनाया जा रहा है उसे क्या पारितोषिक मिलता है, क्या पुरस्कार मिलता है, क्या वो कर्मों के बंधन से आजाद है, कितना अच्छा इनाम मिला आपको, आपको मेरे भगवान ने आजाद कर दिया, इंद्रियों से आजाद है, गंदी आदत से आजाद, हाँ गंदे इरादों से आजाद, नहीं नहीं गंदे दोषों काम क्रोध से आजाद, नहीं नहीं आवागमन से आजाद। बेटी आवागमन से छुट्टी, ऐसे जीव क्या जाते हैं भगवान की जात में समा जाते, भगवान की जात में एक में को जाते हैं। पूछा गया ये भला कैसे संभव है, कैसे जाती है, तो कितना अच्छा जवाब देंगे व्यास जी, कहती है मनोमन लकड़ियों जला दो, जैसे लोहड़ी वाले दिन आप आपे धर्म क्रिया को कर लेती है, आप 20 बार लकड़ियां जलाई, हाँ इसमें से क्या निकल रही है, चिंगारियां, ध्यान देना जरा, इमेजिन कर लो अपनी आंखों के सामने लाले मेरी बेटी, हमने इतनी लकड़ियों का ढेर जलाया और उसमें से चिंगारियां निकली, चिंगारियां आपकी चाची घर में जा रही है, चिंगारियां कहां जा रही है, इतनी बड़ी अग्नि में से निकलकर, इतनी बड़ी ज्वाला से निकलकर चिंगारियां कहां गई, आपकी मामी घर में गए हैं, कहां गई चिंगारियां, ऊपर गई फिर उसी के अंदर समा गई, ऊपर जाकर चिंगारियां कहां, उसी ज्वाला में वापस आ गई, ऐसी नेक चिंगारियां जो भड़क उतने बड़े ज्वाला से निकली थी, नेक बन के फिर उसी अग्नि में वापस आ गई। भगवान करे ऐसा ही हो, परमात्मा करे मेरी बच्ची हो ऐसा ही हो, मेरा समझाना सफल हो जाए, ये भगवान की चिंगारियां जब नेक बन जाती है फिर वापस है, फिर वापस शाबाश, परमात्मा करे ये नया साल इसी रूप में हो, क्या वही चिंगारियां बनकर उसी भड़कती शोला में वापस आ जाए, परमात्मा मेरी वाणी सत्य करे, ये हमारा बर्थराइट है, क्या हम उसी ज्वाला की चिंगारियां हैं और उसी में वापस आना चाहती है, और उसके वापस आए बिना गुजारा ही नहीं, कल्याण ही नहीं। और महापुरुषों ने समझाया, पांच हुए संत एकांत में से जा रहे थे, हां उनके पैर तलों से जब उन्होंने जहां पैर रखे या चरण छुआए रोने की आवाज आई, है नीचे देखा, आपने चरण उठाइए, उठा लिया, कौन हो तुम, हम पछड़े हुए बिछड़े हुए, कृपा करके हमें उठा लो, देखा ये क्या है, काले काले ये क्या है, ये तो कोली है, हमें उठा लो, हम बिछड़े हुए हैं पछड़े हुए हैं, आप काला काला कह रहे हैं, आपकी कसम हम आपके चोले की तरह भगवे थे, लाल लाल थे, हम पछड़ गए, आप हमें उठा लो, हाँ जहां आग भड़कती हो वहां डाल देना, हम अपना असली रूप अंगारी का ले लेंगे, हम अपनी अग्नि से अलग हुए हैं, काले हो गए हैं, हमें अग्नि में वापस डाल देना, हम अंगारे बन जाएंगे, हम भी अपने मालिक से अलग हुए हैं, उपदेश से अलग हुए हैं, ज्ञान से अलग हुए हैं, भगवान की कसम हम काले हो गए हैं, काले हमारे इरादे, काले हमारे विचार, काले हमारे कर्म, गुनाही भरे मैं फिरा तो लोग कहे दरवेश, अब हम लाल होना चाहती है,
भगवान के ज्ञान में अपने आप को डाल दो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कोले ने ठीक कहा, मुझे अग्नि में डालो जहां का मैं अंश हूं, तो मैं काला नहीं रहूंगा, मैं अंगारा बन जाऊंगा। अंगारा तो लालो लाल होता है, अगर उससे अलग हो जाए वो अंगारा तो काला हो जाता है। क्यों? कालिक उसने ले ली, उससे अलग हो गया। बिल्कुल ठीक कहा भगवान ने, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाए। इन सारी त्रुटियों से, फॉलिंग से हम दूर हो जाते हैं भगवान जी के अनुसार जब हम जुट जाते। केवल मैं ही अपना के न चला जाऊं इस जहाने फानी से, बल्कि आप भी भगवान की वाणी अपना कर अपना कल्याण कर जाओ। बच्चे भगवान की ढंडोरची के, गीता के ढंडोरची का ढंडोरा सुन लो, भगवान के अनुसार रहने की चेष्टा कर। मैया ओ कल्याणकामी देवी, कल्याणकामी सज्जनों, कल्याणकामी धार्मिक भाइयों, आप पक्का इरादा करें। और उधर भगवान कह रहे हैं जो पक्का इरादा करते हैं कि मैंने भगवान के उपदेश के अनुसार रहना है, उसे भी समझने के साधु है वो अब साधु बन गया। कौन? इरादे में नेकी के यक्षु है जो वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करार हो सकूं दाई, सदा रहने वाली शांति वो प्राप्त कर लेगा जिसने इरादा किया है कि मैंने वापस जाना है। किसके अंदर? भड़कती आग के अंदर, भगवान के उपदेश के अंदर, तो वो लालो लाल हो जाएगा। इस रूप में आज का नया साल 1995 मुबारक, मुबारक मेरी भगवती, मुबारक मेरी देवियों, हम फिर वही बनना चाहते हैं जो हम पहले थे। ये बीच में गड़बड़ मच गई, हाँ शुरू में ही हम लाल थे, आखिर में भी हम लाल हो जाएंगे, ये इन बिटवीन हम खराब हो गए। मालिक के उपदेश को छोड़कर, मालिक के ज्ञान को छोड़कर जीव बर्बाद होता है, खराब होता है। जब भगवान कहते हो मेरे उपदेश को ले लेता है, लालो लाल हो जाता है, भगवान जी के योग्य हो जाता है। गीता जी हमारी यही संपूर्ण होती है, गीता का उपदेश यही आकर संपूर्ण होता है। गदगद हो जाओ, जा है कृष्ण मेरे पास, कामरानियां शादमानियां खुश इंजामियां, दौलत वही है, खुशी वही है, विभूति और ऐश्वर्य यही है, और अच्छी बुद्धि वही है। कहा, कहा, कहा? जा है कृष्ण। अंतिम अध्याय का अंतिम 78वां फरमान, क्या कमाल किया, क्या सिद्धांत बना दिया। जाए कृष्ण मेहरबान, जहां भगवान जी है और भगवान को अपनाने वाला अर्जुन जैसा नेक जीव है, सब कुछ ले गया, सब अपनी बिगड़ी बना लेता है। ऐसे ही करो मेरे सज्जनों, मैं बार-बार कह रहा हूं, आओ मैं आपको मुबारक दूं। तो 95 ये नया साल, न किस जबान से हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ग्रीटिंग्स, ये करो ये बकवास, प्रॉस्परस न्यू ईयर, ये गलत, ऐसे कुछ नहीं होता। कभी पानी पानी कहने से कि प्यास बुझती है, परौंठा परौंठा, आलूओं का परौंठा, ऊपर मक्खन का पेड़ा, आलू का परौंठा, मक्खन का पेड़ा, आलू का परौंठा, मक्खन का पेड़ा, ऐसे कहने से क्या होगा, उल्टा मेरे मुंह में पानी आएगा। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, प्रॉस्परस न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, इससे क्या होगा, जब तक के हैप्पी बनने के लिए मैं समा पैदा ना करूं। मुझे समा पैदा करना चाहिए टू बी वेरी हैप्पी, टू बी वेरी क्लियर एंड डियर। और इंसान हैप्पी कैसे होगा, जब वो भगवान के अनुसार अपने आप को जुटा देता है, महाराज जी के अनुसार अपने आप को लगा देता है। भगवान सारी गीता सुनाने के बाद आपको चेतावनी दे रहे हो, निकालो 18वां अध्याय, चलो आखिर में तो जाए पना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा। क्या कमाल कह रही है, तो रहमत में उनकी समा जाएगा, सकूं बका उनसे सदा रहने वाली शांति ले, अब तुझे इनाम रूप में मिली। कब? जब मैंने पहले कहा था, जब हम भगवान के नजदीक पहुंचे, जब मेरी बेटी जानते समझते हुए नोइंगली एंड डेलिबरेटली आप भगवान के नजदीक पहुंच गए, बस मेरा यार रहना सफल, गीता सुनाना सफल,
आपका गीता जी सुनना सफल, हम सब दोनों श्रोता वक्ता अपने आप को सफल करके भगवान की जात में समा जाएंगे। कब? जब उनके अनुसार अपनी क्या रहनी सही बनाएंगे, अपनी बुद्धि मन और कार्यों को उनके मुताबिक बनाएंगे, बस बेड़ा पार। और कम से कम इस जन्म में नहीं, नहीं इस जन्म के बकाया सालों में ये साबित कर दिखाएं जो भगवान जी ने 9वें अध्याय में प्यार से मस्तक चूम के मुझे और आपको कहा। क्या याद है आपको? 9वें अध्याय में मस्तक चूमा भगवान ने, पीठ पे हाथ फेरा और वरद हस्त हमारे मस्तक पे रखा और अपने श्रीमुख से कुछ कहा भी सही। क्या? अरे याद है क्या? फकत मेरी खातर तू, आप मुकर नहीं सकते, आप भूल जाए तो मैं रिमाइंडर हूं, आपको याद करवाता रहूंगा। भगवान यही कहती है, प्रेम का तकाजा है कि जिसके प्रति प्रेम हो उसके लिए अपने आप को निछावर किया जाए। जब ये जीव आत्मा है और वो हमारे परमात्मा है, एवरीथिंग फॉर दैट ब्लेस्ड लॉर्ड, एवरीथिंग, एवरी एक्टिविटी, एवरी थॉट, एवरी डिसीजन उन्हीं के लिए, बस जीव तलीन हुआ। मेरी बेटी बड़ी जल्दी उनमें तलीन हो जाती है जब भगवान को सामने रख के अपने जीवन के दिन गुजारे जाती है। पहले हमने ममता में भरकर, काम में भरकर, कभी औरत को सामने रखा, कभी पति को सामने रखा, कभी इज्जत को सामने रखा, कभी डिग्रियों को सामने रखा, तो इस तरह जिंदगी काटते रहे। अब तो भगवान के दिव्य प्रेम को सामने रखकर अपने जीवन के दिन बिता दो और ये साबित कर दिखाओ कि ना कुछ हम हंस के सीखेंगे, ना कुछ रो के सीखेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु के। सुन लो नेक जीवो, नेक जीवो 1995 इस रूप में मुबारक हो। ना कुछ हम हंस के सीखेंगे, ना रो के सीखेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे अपने मालिक की हो के सीखेंगे। बार बार मुबारक इस रूप में ये 1995 मुबारक। मेरी बेटी, ओ मेरी मैया, भगवान करे ऐसा ही हो, हम दिन ब दिन मालिक के नजदीक पहुंचते जाए, और भी नजदीक, और भी नजदीक, और भी नजदीक, हम और भी नियरर, नियरर, याद रखना मैं बोल रहा हूं, नियरर देन हैप्पियर, नियरर हैप्पियर, नियरर हैप्पियर। जितने मालिक के नजदीक पहुंचते जाएंगे उतने आंतरिक रूप से हम खुश होते जाएंगे, हम अपनी खोई हुई पीस ऑफ माइंड को अटेन कर लेंगे, हम अपने मन के अमन चमन को प्राप्त करते जाएंगे। कब? नियरर, मैं दो ही शब्द कह के खामोशी ले रहा हूं, नियरर हैप्पियर, नियरर हैप्पियर। ये फार्मूला जी, ये सब अनुभवी महापुरुषों का अनमोल अनुभव है। जितना जी मालिक के नजदीक जाता है उतना ही आराम और चैन पाता है, जितना उनसे दूर हो जाएगा उतना ही अब बेचैन और बेकरार हो जाएगा। आहा, परमात्मा करे इस सिद्धांत की हम कदर करें, मेरी दीवियां इस सिद्धांत की कदर कर लें कि जितना मालिक के नजदीक जाऊंगी मैं उतना ही कल्याण कर जाऊंगी, जितना मालिक से दूर जाऊंगा, मेरे भगवान कह रही है सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, जानती हूं क्या कहा प्रभु ने, तबाही में जाएगा पिंदास से, वो लोक परलोक दोनों से मारा जाएगा जो भगवान के अनुसार अपने आप को नहीं लगाता, भगवान और मनमानी करता है। आओ अपने भगवान को आज के दिन, हाँ ये वैदा दे और अपने जीवन को बनाए। मनमानी करने वाला बहुत दुखी होता है, हाय मनमानी मुर्दाबाद, कृष्णमानी जिंदाबाद, मनमानी मुर्दाबाद, कृष्णमानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे साथ शामिल और जरा और भी अपने इन वचनों को जरा पक्का कर जाएं, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, शाबाश।
कृपा अपनी दे अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे कृपा जाहो जाहो ओ मेरे बाबू जी सहारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल अज तार दे मेरे कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट दे हमें दीदार दे ओ मेरे प्रभु जी सारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल अज तार दे हाय हाय बहुत अच्छे कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे बहुत अच्छे ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल अज तार दे कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल अज तार दे कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट दे हमें दीदार दे ओ मेरे प्रभु जी जय हो मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल अज तार दे जाहो मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल अज तार दे हार्दिक धन्यवाद हार्दिक आशीर्वाद अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे Time.
सफल करना इस देव हार्दिक धन्यवाद।